शाहरुख क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? तो मेरे मन में चल रहा था सिराज भाई, मेरे मन में चल रहा था, ये दुनिया जानती है कि शाहरुख खान सिगरेट बहुत पीता है जी, तो ये सिगरेट मंगाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बॉस ने कहा क्या लेंगे सर, तो उसने कहा सादा पान पराग मिल सकता है। अब रात को 3 बजे सादा पान पराग, तो मेरी तरफ मेरे बॉस ने देखा, मैंने बोला सर मिल जाएगा, बोले मिल जाएगा तो जरा ले आओ। अब मैंने वादा तो कर लिया, अब नीचे गया बिल्डिंग के नीचे, यार कहाँ जाऊँ, सारी दुकानें बंद। तो इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी में, एक बहुत फेमस मॉल है जहाँ बहुत सारे स्ट्रगलर घूमा करते हैं। तो रात को 3 बजे वहाँ सिग्नल के पास साइकिल वाला टकराया, जो साइकिल पर लेके चाय और सिगरेट बेचते, उसके पास गया और मैं जाते बोला भाई साहब मना मत करना जो मैं मांगने जा रहा हूँ। बोले मना क्यों करूँगा, हमें सादा पान पराग चाहिए शाहरुख खान के लिए। उसे भी विश्वास नहीं हुआ होगा, उसे लगा होगा कि मजाक कर रहे हैं। वो मुझे देख रहा है ऊपर से नीचे तक, बोले क्या शाहरुख खान के लिए फिल्म में जो आता है? बोला हाँ शाहरुख खान के लिए चाहिए। बड़ा लंबा किस्सा। उसने बोला लो सादा पान पराग, लेकिन चूतिया मत बनाओ। तो शाहरुख खान तुमसे सादा पान पराग मंगाएंगे, बताओ। फिर मैंने सादा पान पराग मिल गया तो मैं बहुत हैप्पी हुआ। और फिर मैंने खुद सोचा, यार बात तो सही है, उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता, शायद आप भी यही सोचता। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हकीकत होती है, लोगों को यकीन नहीं होता। यकीन नहीं हो। जैसे कि मैं बता दूं, आज हमारी 18 फिल्में रिलीज है, हिंदी रिलीज है, भोजपुरी रिलीज है। बहुत से लोग बोलते हैं कौन सी फिल्म, तो मैं उनको लिंक भेजता हूं तो देखते हैं जी। अभी कई फिल्में आने वाली है। तो शाहरुख खान के लिए मैं पान पराग लेकर जब ऑफिस में पहुंचा जी, तो ऑफिस में जाकर जब मैंने पान पराग पकड़ाया तो मेरा बॉस मुस्करा कर बोला कहां से मिल गया। बोला सर जी हमारे ऑफिस में कोई मामूली इंसान नहीं आया, शाहरुख खान। शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो ऊपर वाले ने उनके हाथ उठाने से पहले इनकी सारी मन्नतें पूरी कर देते हैं। मन्नत उनका घर भी है, इसलिए इनका घर भी मन्नत है। और तकदीर लेकर आए हैं वो, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर हो जाए वो है शाहरुख खान साहब जी। तो वो दिया, फिर उन्होंने कहा कि अभी शाहरुख ये मैं अभी इनसे मिलवाता हूँ, फिर उनका आपस में डिस्कस हुआ। फिर मुझे लगा आप मुझे कहाँ बुलाएंगे जी जी, तो आप इसलिए अब बताऊंगा, देखिए बड़ा आदमी कैसे बनता है। मेमोरी देखिए, मेरे बॉस ने कहा अभी मिलवाता हूँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उनका जब मीटिंग खत्म हुआ, मैं तो कहाँ बाजू से देख ही रहा था, सुन रहा था बात कहाँ तक हुई है, कहाँ कितनी बाकी थी। तो डन हुआ, बातचीत हो गई उनकी, फिर वो उठ गए। शाहरुख खान रुक कर बोला सर वो एक्सक्यूज मी सर, वो आप किसी से मिलवाने वाले थे? ओ हाँ, तो बोले तो मुझे बुलाया रियाज, मैं आया शाहरुख खान साहब के पास। आप आए, आपके बॉस ने बुलवाया? मेरे बॉस ने तब बुलवाया जब वो शाहरुख ने याद दिलाया। याद दिलाया यानी कि शाहरुख खान साहब का याददाश्त बहुत। अभी आप कह रहे थे मिलवाना है उसको, तब उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं आया तो बोले ये बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है और आपकी भी मिमिक्री करते हैं। तो उन्होंने उनको मैंने कई मिमिक्री की आवाजें सुनाई। क्या क्या सुनाया था पहले आपको सुनाइए शाहरुख खान साहब? उनको मैंने एक आइटम सुनाया था, नाना पाटकर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यशवंत, जिसमें नाना पाटकर साहब ने गाना गाया था। वो गाना था वाह भाई, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, 180 बेमन फिर भी मेरा देशमान, क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हमारे चुने कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे सिख बूटे आपस में बांटते हैं, इनके सामने बात करने को हमारा जमीर कांपता है, कल पैदल बच्चा सांस लेने को आता है, क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मैंने बोला सर इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद मच्छरों का क्या हुआ होगा? ये आइटम आप शाहरुख साहब को सुना रहे हैं? जी हाँ, शाहरुख साहब सुन रहे हैं जी। कि मैंने बोला सर इतना खतरनाक डायलॉग सुनने मच्छरों का क्या होगा? मच्छरों को बहुत बुरा लगा कि आखिर ये फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, जब ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं तो हम इनको ही काटेंगे जी। तो मच्छर फिल्म स्टारों के पास अगर काटने चला जाएगा तो सबसे पहले मैंने दादा मुनि अशोक कुमार साहब होते दुनिया में, तो वो पहले ही बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं, और मच्छर को देख के कैसे अपने अंदाजे में भगाएंगे अशोक कुमार। शाहरुख खान को सुना रहा हूँ जी जी। अरे मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काट,
अरे मुझे काटेगा तो तुझे दम्मा हो जाएगा, अरे वैसे भी मैं दम्मे का मरीज हूँ, अब मेरा खून पीकर ना तुझे मजा आएगा और ना मुझे मजा आएगा, अरे मेरा खून पीकर तुझे ऐसा लगेगा और जैसे तूने थम्सअप पिया है। एक काम कर, काटना है तो जाकर परेशान को काट, उसका खून गर्म है, आज कल लोग काम भी कर रहा है, जा चले जा। इसके बाद परेश रावल साहब अपने टिपिकल अंदाज में बताते हैं, परेश रावल साला पागल हो गया है या बौखला गया है, साला मत तो समझाता विकृत हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। हाँ देख मच्छर, अरे काटना है तो मुझे अपना पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, भारत माता से कुछ नहीं होता, चल फट। मच्छर यहाँ से चला जाता हमारे गुलशन ग्रोअर साहब के पास, बैडमैन। वो अपने अंदाज में बताते हैं किस तरह से, गुलशन ग्रोअर, बैडमैन मेरी जानी के झटके, और उमरी तरफ भटके तो मारूंगा तीन फटके, एक उठ के एक बैठ के और एक लेट के, चल दुकान ला हटके बैडमैन। इनके पीछे शक्ति कपूर साहब, वो अपने अंदाजे में बताते हैं, आओ ताक दिन आदिन आओ, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना है तो काटना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे अंदर तो अब शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई, आओ मैं जाऊं ललिता। इनके पीछे हमारे मच्छर चला गया सनी देओल साहब के पास। ओए मच्छर, ओए मुझे काटना चाहता है, मुझे काटना चाहता है, ओए मच्छर के फिजे में आकर आदमी भी मच्छर बन जाता है मच्छर, और तू चाहता क्या है, मैं तेरे इशारों पर नाचूं, तू कहे काट तो काटूं, तू कहे भोग तो भोगू, देख मच्छर इन बाजू में कितनी ताकत है, और तो मेरा बाप भी नहीं जानता, और मेरे बाप के बाजू में कितनी ताकत है, और तो मेरी माँ भी नहीं जानती, 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है, गुड बाय। मैंने बोला सर आवाज़ें तो बहुत सी करते हैं, कोशिश करता हूँ आपकी, सबसे लास्ट में आपके अच्छा, पास चला जाता है शाहरुख खान, तो कैसे भगाएंगे, मैं डरते डरते में पता नहीं क्या बोलेंगे। शाहरुख खान साहब, ए सारा, ए साला तेरे को कितनी बार बोला रे साला, ये जंगल का हो बाजू का तेरा, ये अपन का, अब इधर जीने का उधर पढ़ने का, इधर काय कह रहे तू तो खल्ला खल्ला। अच्छा ये पूरा आइटम आपने शाहरुख खान साहब के सामने पेश कर दिया, पेश किया, उसके बाद कैसा उनका रिएक्शन रहा और वो उनका इसके भाव कैसा था? वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा ऐसा लग रहा था इन्होंने कभी मिमिक्री सुनी ही नहीं। अच्छा और बाद में हाईलाइट क्या हुआ मुझे पता चल रहा है कि मेरे बॉस ने बताया, रियाज मिमिक्री आप जिसको सुना रहे हो ये भी कॉलेज के जमाने में किया करते थे शाहरुख खान। यस शाहरुख खान बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट थे, वो किया करते थे। शाहरुख खान ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा करते हो, वेरी गुड करते हो। उस टाइम कई चीजें चल रही थी, हमारे नाम बदलने का रिवाज था हमारे बॉलीवुड में। अच्छा लोग नाम बदलते, नाम बदलने का, जैसे मेरा नाम रियाज है तो मेरी जिद थी कि मैं नाम रियाज तो नहीं हटाऊंगा, बाकी इधर उधर चलेगा जी। तो शाहरुख खान साहब ने मुझे रियाज नाम पूछा तो मेरे मुझसे निकला कि सर माय नेम इज रियाज इंडियन, कई नाम था तो उसमें से ऐसे निकल गया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, बहुत प्यारी मिमिक्री करते हो और अच्छा है, और पॉलिश करो, लेकिन तुम्हारी सबसे अच्छा जो मुझे लगा है, मुझे तुम्हारा नाम रियाज इंडियन ये क्लिक होने वाला नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हट के नाम है, आसानी से इजीली जबान पे आने वाला नाम है। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया और मुझे इतनी खुशी मिली। उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ, वो पल इतना, किसी को सच्चाई बताऊं अगर लोगों को यकीन ही नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर इतनी खुशी जब भी याद करता हूं कि वो गोल्डन टाइम था हमारा जी। तो दोस्तों यकीन मानिए कि मुझे भी खुद बहुत ही मजा आ रहा है, ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े धुरंधरों के साथ में काम कर चुके हैं, और बताओ शाहरुख खान साहब, अमरीश पुरी साहब, जॉनी लीवर साहब जो कॉमेडी के बादशाह हैं, ऐसे ऐसे कलाकारों के बीच में आपका उठना बैठना है। हम जैसे गरीब कलाकारों को आपने टाइम दिया, मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ, और ये जमीन से जुड़े हुए कलाकार
बहुत ही बेहतरीन इंसान है कलाकार के साथ साथ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके यूट्यूब चैनल रियाज इंडियन पर जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए इन्हें, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। कुछ आवाजें बाकी हैं जो सुनानी बहुत ही जरूरी है आपको, मैं नाम बोलूंगा आपको सुनाना पड़ेगा। सुनाऊंगा, लेकिन दर्शकों को, दर्शक हमारे मेरे ख्याल से पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, कई बार सुन चुके हैं हमारे चैनल पर भी, रियाज इंडियन कॉमेडियन के चैनल पर जाकर आप देखेंगे। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है कि इस वजह से थोड़ा वो बात नहीं आ रही है, नहीं मेरे ख्याल है, फिर भी आप एंजॉय करो, ये मेरी खुशनसीबी है। तो फरमाइश कीजिए, शायद मैं कोशिश करूं। ओम प्रकाश जी, बल्लू के पट्टे है, जब से मैंने शादी की सबका मुंह नहीं देगा, हमेशा भगवंती चिल्लाती रही, मैं उसकी आवाज के आगे खामोश रहा। एके हंगल कौन बसंती, मैं मस्जिद की सीढ़ियां बाद में चढ़ता हूँ, उससे पहले कोई सहारा तो देने आ ही जाता है। संजीव कुमार यानी कि शोले के ठाकुर साहब, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, यह बहुत लंबी कहानी है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बहुत तरबूज के छिलके, ऐसे पहले कि मैं भूल जाऊंगा तो हमारा पड़ोसी है, अपने आप का सुधार ले, वरना पर तेरे छिलके कहां से निकालूंगा, कहां फेंकू किसी को पता नहीं चले, समझाए के नहीं। एक वाला शाम आए तो कह देना, अब ओए शाम आए तो कहना कि छेनू आया था, बहुत गर्मी है ना खून में, तो बैसक आ जाए मैदान में, दिखा दूंगा किसमें कितनी गर्मी, समझे कि नहीं। बहुत गजब। धर्मेंद्र साहब, ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए जिसे अकेले डाकुओं का सामना करते देखा था, ऐसे बुद्धे ठाकुर के लिए नहीं, क्या जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका, क्या वजह हो सकती है, तुम बोझिल हो, कायर हो, डरपोक हो। वाह भाई, आप के अंदर वो आत्मा आ जाती, क्या गजब की मिमिक्री भाई साहब, मतलब आपको भी कहोगे कि मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। हाँ। बहुत, कैसे इतने आसानी से आप रूह को कैद कर लेते अपने गले में, क्या है किसी ने मुझे कहा है कि आपको कितना क्या आता है वो मत सोचो, अगर आपसे कोई कुछ कहे, कोई फरमाइश करे, आप दिल से जो आए कर दो, दिल से करोगे तो उसमें थोड़ा सा कलर खूबसूरती आ ही जाती है जी। तो अगर ये हमारी इसमें खूबसूरती आई हो तो तुरंत जाएं रियाज इंडियन कॉमेडियन चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिराज भाई के जितने भी ऑडियंस है बाबा हमारे पास भी आ जाए। अब रियाज भाई का मूड है यहाँ से निकलने का, लेकिन खबरदार अभी जाने नहीं देंगे आपको, अजय देवगन। तू आ गया है बापू, तू आ गया है बापू, आओ सालो बाहर निकलो, क्या कहते थे मैं अकेला गेहूं नहीं काट सकता, हाँ नहीं काट सकता, मेरे पास मेरे बापू के साथ बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं काटने में मदद करेंगे, आओ बापू हम दोनों मिलकर काटते गेहूं। सदाशिव अमरापुरकर जी, अरे नाग हूं मैं, नाग है काला नाग, सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी डस लुआए, तो फिर तू तो क्या चीज है, हमारा दोस्त है सिराज। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो गया और रियाज भाई का गला भी कुछ थका हुआ है, क्योंकि ये लगातार काम करते रहते हैं और बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं।